नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं गाय या भैंस सीमन कराने के बाद कितने घंटे बाद डिस्चार्ज करें तब गर्भवती माने जाती हैं, या क्रॉस हम करवा देते हैं बछड़े से या भैंसे से, हमारी गाय हो, भैंस हो, बछड़ी हो, कटड़ी हो, पण या कुछ भी हो, तो अगर हम क्रॉस कराते हैं तो कितने घंटे बाद वो डिस्चार्ज करें तब उसे हम समझ सकते हैं कि वो गर्भधारण कर लिया है। ऐसा अनेकों कमेंट आता है, हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारी पशु को सीमन करा दिए हैं, डिस्चार्ज इतने दिन बाद दिया, हमने क्रॉस कराया था, इतना घंटे बाद डिस्चार्ज दिया, ये गाभिन होगी या नहीं होगी। और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपकी पशु बार बार रिपीट हो रही है उसके बारे में बताऊँगा। अगर पशु आपकी बच्चेदानी की इन्फेक्शन है तो उसको भी बारे में आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में आपको टोटल जानकारी हम दे दूंगा, फिर आपको शायद दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से आप पूरा सीख जाएंगे। बस वीडियो पर बने रहिए, और ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। ध्यान रहे, आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव रहता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर हम किसान भाई बात करते हैं, हमारी जैसे गाय है, गाय में अलग देखने को मिलेगा, भैंस में अलग देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम गाय को सीमन करा देते हैं तो सीमन कराने के एक बात और भी ध्यान रखना, जैसे सीमन और क्रॉस में काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे हम अगर सीमन करा दिए हैं अपनी गाय को या बछड़े से हम क्रॉस करा दिए हैं, तब बछड़े से जो क्रॉस होगा और जो सीमन डलाया जाता है उससे कई फर्क देखने को मिलता है, ऐसा माना जाता है। अगर हम सीमन करा दिए हैं अपनी जो गाय है तो लगभग सीमन कराने के 24 घंटे के बाद ही अगर डिस्चार्ज करती है तो हम समझ सकते हैं कि गर्भवती हो गई है या गर्भवती हो सकती है। एक लक्षण होता है गर्भधारण करने का। भैंस की अगर हम जहाँ बात करते हैं, अगर उससे सीमन कराया गया तो उस समय अगर हम बात करते हैं तो सीमन कराने के लगभग 24 घंटे के बाद इसको भी डिस्चार्ज देना चाहिए। डिस्चार्ज किस तरह का होना चाहिए? डिस्चार्ज अगर बहुत पानी जैसा है, बिल्कुल पानी है, तो ये कोई अनुमान लगाया जाता है कि ये गर्भधारण नहीं किया है। अगर डिस्चार्ज मोटा है तो उसे हम समझ सकते हैं कि ये गर्भ धारण कर सकती है। और अगर डिस्चार्ज पीला है, दूध जैसा है, दही जैसा है और मट्ठे जैसा है, छांस जैसे है, इस तरह का अगर डिस्चार्ज है तो समझ लो उसे बच्चेदानी की इन्फेक्शन है। पीला डिस्चार्ज अगर है, बहुत ज़्यादा पीला, सीमन कराने के बाद ऐसा पीला, दही जैसा, दूध जैसा, फटा फटा, छांस जैसा, मट्ठे जैसा, इस तरह का जो डिस्चार्ज आता है तो ये बच्चेदानी की इन्फेक्शन मानी जाती है, तब गर्भवती नहीं है, ये बच्चेदानी की इन्फेक्शन माना जाएगा। हाँ, अगर व्हाइट कलर का डिस्चार्ज दिया है 24 घंटे के बाद, सीमन कराने के बाद की बात हम कर रहे हैं, तब अगर ऐसा करती है तब गर्भ धारण करने के एक संकेत होता है, एक लक्षण होता है। अगर यहीं पर हम मान लेते हैं जैसे कि क्रॉस होगा है, हमारी गाय या हमारी भैंस क्रॉस हुई है, चाहे बछड़े से हम गाय को क्रॉस कराएं या भैंसे से कटड़ी पणिया बछड़ी, कटड़ी पणिया भैंस को क्रॉस कराएं, तो उस समय क्या है कि अगर वो गर्भ धारण करनी होगी तब डिस्चार्ज कब देगी? तो एक बात हम जरूर बताना चाहूँगा, जो हमारा ये अनुभव रहा है उसके हम आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं। हमारे पास भी गाय थी, हमने बछड़े से क्रॉस कराया था, क्रॉस कराने के लगभग घर पर जब लेकर आया, यहाँ पर बछड़े से क्रॉस कराने के लिए बछड़े के पास ले जाना पड़ता है, तो वहाँ से क्रॉस करा के जब घर पर आया तो लगभग जब ही गाय बैठी तो बैठने के लगभग मान लो कि 2 घंटे तक तो बैठने नहीं दिया जाता, फिर उसके बाद बैठ गई। बैठने के लगभग मतलब क्रॉस होने के लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद बैठी वो, फिर बैठने के बाद ही वो बहुत से सारा डिस्चार्ज दिया।
डिस्चार्ज व्हाइट कलर का, ये इन्फेक्शन नहीं था। ऐसा भी हो जाता है जैसे कि बछड़े से क्रॉस होता है तो बछड़े का जो सीमन होता है वो सीमन गिरता है, वो सीमन निकलता है। अगर बछड़े से क्रॉस हुआ है तो अगर 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद भी डिस्चार्ज करती है तो हम उसे गड़बड़ नहीं मान सकते कि गर्भधारण नहीं करेगी। अगर बछड़े से या भैंसे से क्रॉस हुआ है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसी दिन भी आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पर भी देखने को मिला है कि डिस्चार्ज कर देती हैं। डिस्चार्ज कर किया जो गाय हमारे पास थी, लेकिन वो गाय गाभिन निकली। तो इससे एक अनुमान हमें लग जाता है कि जब वो इतना सारा सीमन निकल जाने के बाद भी गर्भ धारण कर लिया, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो बछड़े या भैंसे का जो सीमन होता है उसके अंदर प्रवेश करता है योनि मार्ग में, फिर जब वो बैठती हैं तो गिरता है। तो गिरेगा, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कुछ पशुओं में मिनरल्स प्रोटीन की कमी की वजह से गर्भ धारण नहीं करती, जैसे कमज़ोर हैं, बच्चेदानी छोटी है या बच्चेदानी टेढ़ी है, बच्चेदानी कमज़ोर है, तो उस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि वो गर्भ नहीं ठहरेगा, बार बार रिपीट होंगी, बार बार हिट में आएंगी। इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक भी तरीका है, उपाय। जैसे अगर इस तरह की समस्या, उसे कोई दिक्कत नहीं, इन्फेक्शन नहीं है, जो इन्फेक्शन नहीं है उनके लिए हम बता रहा हूँ, बच्चेदारी जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे पशुओं को जो बार बार रिपीट हो रही हैं तो उसके अंदर भी कमियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि बच्चेदानी का छोटा होना, बच्चेदानी टेढ़ी हो जाना, बच्चेदानी का मुँह छोटा हो गया है, बच्चेदानी कमज़ोर हो गई है। तो उसके लिए सबसे सटीक उपाय आपको यही है कि आप जो इसे सबसे पहले पेट साफ़ करने की दवा पिलाएं। कितने लोग बोलते हैं पेट साफ़ करने क्या है, आप मेडिकल पर जाएंगे, पेट साफ़ करने की दवा उसको पिला देना है। जब भी दवा पिलाएं सुबह खाली पेट पिलाना है, और दवा पिलाने के 1 घंटे तक उसको राशन चारा नहीं देना है, 1 घंटे के बाद खिला सकते हैं। उसके बाद पेट साफ़ होगा, पेट साफ़ होने के 3 दिन बाद आप ले लीजिए कोई भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर पाउडर, कोई भी जो कि बढ़िया मिनरल मिक्सचर पाउडर हो, तो उसको क्या है आपने पशु के बॉडी वेट यानी उसका बॉडी जैसी होगा, आप जब मेडिकल पर जाएंगे तो वहाँ जो भी होगा हर मिनरल मिक्सचर का अलग अलग का जो है माप होता है, अलग अलग जो उसको खिलाया जाता है, कोई 50 ग्राम खिलाते हैं, कोई दोनों टाइम खिलाना पड़ता है, यानी 50 सुबह 50 शाम, कोई 50 ग्राम एक टाइम खिलाया जाता है। तो उससे क्या है, अगर आपके पशु जो भी गाय या भैंस बछड़ी कटड़ी पणिया है, बच्चेदानी की समस्या है, तो ये क्या है, बच्चेदानी को मजबूत करता है, बच्चेदानी छोटी है उसको बड़ा करता है, उनके अंदर एक ताकत आती है, एक एनर्जी आती है, तो उनका जो है कैपेसिटी बढ़ने लगता है, तो ये मिनरल मिक्सचर का काम करता है। इस तरह से उसको आपको खिला दीजिए। ये काम और करना है, कहीं भी आपको मिल जाए तो बारिश का पानी, जैसे बारिश का पानी तालाब में ठहर गया है तो वहाँ पर आप चले जाइए, अपने पशु को वहाँ पर पानी पिलाइए, तो वहाँ से बाल्टी भर के अपने जिस पशु की समस्या ऐसी है तो उसको खिलाइए। क्योंकि ध्यान रहे कि जब आज से कई साल पहले हमारे यहाँ पर देखने को मिलता होगा कि पशु चराई पर जाती थी तो ऐसी समस्या नहीं आती थी कि पशु बार बार रिपीट हो, हिट पे आए, एक बार क्रॉस हो गई गर्भ रुक जाता था, भले बैठ जाएं कि लेट जाएं कि तुरंत कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं होता था, हमेशा चराई पर जाती थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि उस समय बारिश का पानी वो पीती थी, लगभग 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक चराई पर जाती थी तो वहीं पीती थी, भैंस भी वहाँ लौटती थी बैठती, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है बारिश का पानी। लेकिन फिर भी और भी कई फर्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहले नस्ल जो हमारी थी यहाँ पर गाँव में, तो वो नस्ल की अगर हम बात करें तो देसी गायें थी, साहीवाल गायें थी, हरियाणा की गायें थी, भैंस भी जो थी देसी भैंस थी हमारे पास, मतलब बहुत नस्लदार नहीं थी, बड़ी से बड़ी नस्लदार, मतलब इस पर भी डिपेंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करना है आपको जब उनके बच्चेदानी में दिक्कत है, कमज़ोरी बार बार रिपीट हो रही है, कमज़ोरी है, बच्चेदानी छोटी, तो ये उपाय करना साथ में, बहुत गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा। बच्चेदानी के इन्फेक्शन अगर है, दूध जैसा दही जैसा फटा फटा मट्ठे जैसा,
या बहुत पीला पीला ऐसा अगर डिस्चार्ज करती है तो वो समझ लीजिए बच्चेदानी की इन्फेक्शन है। उसके लिए भी उपाय है, कितने लोग देखने को मिलता है दवा डला देते हैं, तो दवा कितने को काम करता है कितने को नहीं भी करता। दवा डला दिए, दवा डलाने के कुछ दिन बाद फिर जो है हीट में आती है, सीमन करा दिए, और सीमन कराने के बाद ऐसा भी देखने को मिलेगा सीमन करा दिए, और सीमन कराने के बाद कुछ महीने बाद, महीना या 15 दिन या 10 दिन बाद फिर से वो वही लिज्झा लिज्झा ज़्यादा डिस्चार्ज देने लगी, जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन, फिर वही इन्फेक्शन हो गया, नहीं ठीक हुआ। तो ऐसे पशुओं को अगर देसी इलाज आप करना चाहते हैं, सस्ते में इलाज करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए भी आपको सुबह खाली पेट उसे पेट साफ करने की दवा देना है, जिसे कीड़ी मारने की दवा कहा जाता है। तो उसे जब आप पेट साफ करने की दवा दे देंगे तो उसमें होगा क्या, उसे एक बार पेट साफ हो जाने दीजिए। जब पेट साफ हो जाएगा तब क्या करना है, उसे तो कई तरीके हैं, कई लोग देते हैं, एलोवेरा को भी दिया जाता है भून करके, एलोवेरा एक डंठा इतना ले लेना है, और उस एलोवेरा को आग पर या तावे पर रख के या आग जला करके चूल्हे में उसको भून लेना है, हल्का हल्का भून लेने के बाद उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है। छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद उसमें थोड़ा सा चीनी मिला देना है, ठंडा हो जाए अपने पशु खिलाइए सुबह शाम, उससे क्या है काफ़ी बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, जब कीड़ी की दवा पिलाएंगे, पेट साफ करने की दवा पिलाए रहेंगे तभी ये फार्मूला काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो इसको क्या है आपको देना है। उसके साथ साथ हल्दी भी लोग देते हैं, हल्दी भी काफ़ी बढ़िया काम करती है। एक पाव हल्दी ले लेना है, वो भी हल्दी कौन सी, गांठ वाली लेना है। गांठ वाली हल्दी अगर आप लिए रहेंगे तो काफ़ी बढ़िया काम करेगा। 250 ग्राम गांठ वाली हल्दी ले लेना है, पाउडर मत लेना, और उसको बारीक पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। ऐसे में 2 से 2.5 चम्मच सुबह, 2 से 2.5 चम्मच शाम को, चाहे आप चोकर में करके दीजिए, चाहे उसमें गुड़ में मिला कर दीजिए, लेकिन उसको दे देना है सुबह शाम। ये भी बच्चेदानी इन्फेक्शन को बहुत बढ़िया से ख़त्म कर देता है, और बच्चेदानी इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाता है। और जैसे देखने को मिलता है कि हमारी गाय या भैंस सीमन कराने के, ऐसा देखा जाता है कि 7 दिन या 14 दिन इसके अंतराल में, अगर वो 7 दिन पर भी कर सकती हैं, 14 दिन पर भी कर सकती हैं, हाँ सीमन कराने के बाद अगर 1 या 2 बार, जैसे अगर बछड़े से क्रॉस किए हैं तो हमने बता दिया कि ज़्यादा करेंगी तो उसको घबराना नहीं है, और सीमन कराए हैं तो लगभग उसे 24 घंटे के बाद वो कभी भी डिस्चार्ज करेंगी 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और भी बात आती है, जैसे कि हमारी गाय भैंस है, अगर वो पीला डिस्चार्ज करती हैं, वो भी 7 दिन पर भी कर सकती हैं, 14 दिन पर भी कर सकती हैं, आपको 21 दिन पर भी देखने को मिल सकता है कि ये गर्भधारण करेगी या नहीं करेगी। अगर हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज आता है तो आप समझ लीजिए वो गर्भधारण करेगी, एक मतलब गर्भ रुकने के एक संकेत मिलता है कि गर्भधारण कर लेगी। ऐसा नहीं कि पीला डिस्चार्ज एक दिन किया, हल्का पीला, दूसरे दिन और ज़्यादा पीला, तीसरे दिन और ज़्यादा पीला, फिर पीला ही पीला डिस्चार्ज दे रही है तो नहीं माना जाएगा। तो ऐसा होगा कि इन्फेक्शन बच्चेदानी की है, पीला डिस्चार्ज सिर्फ एक ही बार दिखेगा, वो दोबारा नहीं दिखेगा, तब समझ लीजिए वो गर्भधारण कर लिया है। और भी देखने को मिलता है कि ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बावजूद भी हमारी जो गाय भैंस पणिया कटड़ी होती हैं नहीं गर्भ रुकता, वो भी कई कारण हैं। जब भी आप सीमन कराते हैं तो ध्यान रखना है अपने पशु को गर्म तासीर का खुराक नहीं देना है। जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है, उसमें डवरा आता है, बहुत हीट है, जिसको खिला देंगे सीमन कराई हुई पशु को तो वो नहीं रुकेगी। अगर गाभिन को भी खिला देते हो तो बच्चा फेंक सकती है, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। पथरी हो गई घास, तो जो खली हो गई सरसों की, तो ऐसी गर्म तासीर वाली खुराक हमें नहीं देना है अपने पशु को जिसे हमने सीमन कराया है। कितना दिन तक बिल्कुल देना ही नहीं, गर्म खुराक कम कर देना है मौसम को देखते हुए, जैसे गर्मी है या ठंडी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अधिक अगर गर्मी पड़ रही तो नुकसान कर सकता है। अगर आप लोग यही सारी चीज़ें ध्यान में रख देते हैं तो आपकी जो गाय या भैंस हैं 100% गाभिन ठहर जाएंगे। ऐसा भी होता है, बहुत कंफ्यूजन हमारे किसान भाइयों के अंदर होता है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आते क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे।
फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव रहता है तो नीचे कमेंट जरूर करें।